नाज़रीन आदाब, में हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं ASJ न्यूज़। नाज़रीन, DCP ट्रैफिक बाबूराव ने आज इस बात का इयादा किया कि जो बंडी पर मेवा फरोश जो बंडी वाले हैं, एक बंडी से दूसरी बंडी के बीच में डिस्टेंस देते हुए, फासला देते हुए, आप सुबह 6 बजे से कर्फ्यू का जो वक्त है उससे कबल 6 बजे से पहले तक आप बिला टो रोक वो टोक आप जो है व्यापार कर सकते हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मिस्टर बाबूराव ने इस बात का इजहार किया कि कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए एक दूसरे से सामाजिक फासला होना बेहद ज़रूरी है, इसका ख्याल रखते हुए वो बिला रोको टोक कारोबार कर सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी किया कि जो अफराद, जो ख़रीदार आपके पास आते हैं, उन्होंने बंडी पे व्यापार करने वाले फ्रूट के व्यापारियों से ये भी दरख्वास्त की कि जो ग्राहक बग़ैर मास्क के अगर आता है तो उसको आप फ्रूट ना बेचें, उसको ताकीद करें कि आप पहले मास्क पहने उसके बाद फ्रूट हासिल करें। साथ ही साथ उन्होंने भी फ्रूट बेचने वालों से भी इस बात की दरख्वास्त की कि वो भी अपने मुंह पर जो है मास्क बांधते हुए फ्रूट को बेचा जाए। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए बाबूराव ने रमज़ान शरीफ की आमद के मुखर सब्र और तख्वा इख्तियार करते हुए इखलास के साथ इबादतें करने और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के असर को ख़त्म करने के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करने की अपील की। और उन्होंने इस मौके पर, रमज़ान शरीफ की आमद के मौके पर, तमाम मुसलमानों ने हैदराबाद दक्कन को रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद भी दी। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर मोहसिन की ये रिपोर्ट। ट्रैफिक फोर्स तरफ से रमज़ान मुबारक, खासकर रमज़ान में इफ्तार खोलने के लिए मेवा का जरूरत है, इसलिए पुराना शहर में, खासकर पुराना शहर में गली गली में मेवा बेचने वाला फ्रूट वेंडर्स बहुत रहते हैं। ये फ्रूट वेंडर से हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस तरफ से एक गुजारिश है, आपका बंडिया जो है रोड के साइड में रखना है और बंडी का बीच में गैप देना है। बंडी कहने कोई खरीदने का आए तो बगैर मास्क वालों को आप मत बेचो, कोई गिरा का आए तो आप भी मास्क पहन के बेचना है। और जितने भी मेवा बेचने वाला बंडी है, तरकारी बेचने वाला बंडी है, वो लोग सुबह 6 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक बेच सकते हैं। 6 बजे से कर्फ्यू शुरू होता, ये कर्फ्यू शुरू होने से पहले आप लोग अपना अपना दुकान बंद करके घर को जाना। और ये मौका पर सारे आवाम से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये कोरोना शैतान को ख़त्म करना है तो नेक और पाक महीना रमज़ान, ये महीने में जितने हो सकता उतने इबादत करिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को आप राज़ी करिए, ये कोरोना शैतान को ख़त्म करने के। और ये कोरोना शैतान ख़त्म करने हेतु अपना भी जिम्मेदारी है घर में बैठना, मगर घरेलू काम में कुछ इमरजेंसी मेडिसिन लेना है या नहीं तो तरकारी लेना है, नहीं तो मेवा लेना है, नहीं तो रेशन लेना है, तो मोटरसाइकिल पे एक ही आदमी आना, कार है तो 2 आदमी आना, वो भी आपके घर का 3 किलोमीटर रेडियस में आना है। ये बातों को मद्देनजर रखते हुए आप अमल करिए, और जब आप रोड पे आते हैं सोशल डिस्टेंस, एक आदमी से दूसरा आदमी डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि ये कोरोना